मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लॉर्ड को सुबह के 7 बजे और सबको पता है इस वक्त क्या होता है। मैं हूँ लॉर्ड, लॉर्ड किचन लाइव और हट्टा कट्टा सीधा किचन से किचन रेडियो पर। बुरी खबर है दोस्तों, उन लोगों ने फिर से वही कर दिया। वेस्ट विंग में पानी जा चुका है, मैंने कहा वेस्ट विंग में पानी जा चुका है, ईस्ट में पानी अब भी आ रहा है, पर तभी जाना अगर जरूरत हो तो, अगर सोते हुए पसीने आए तभी जाना, ध्यान से सुनना, तभी जाना अगर तुम्हारा गंदा पसीने से भीग चुका हो। आपने सुना मुझे? जाति दुश्मनी नहीं है, ना इससे ना तुमसे। शरी को आज उनके जन्मदिन पर ढेर सारा प्यार और बधाइयां, डैड लूसी और उनके पूरे परिवार की तरफ से। आप लोगों के पास 5 मिनट है अपनी बर्थडे विशेष भेजने के लिए। मैसेजेस आना शुरू हो गए, याद रखिए 10 बजे रात को। आपके 8 महीने के इंतजार के बाद आपका नया ब्यूना विडा सिंगल ऑक्यूपेंसी फ्लैट तैयार है। ये रुकी हुई है, जरूरत हो तभी जाना, हमें एक दूसरे का साथ देना है। तुम्हारे बाई तरफ, यहाँ पर आराम से एक एक करके सबको मिलेगा, शांति बनाए रखो, असली खुशी। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, वो हमें नहीं रोक सकते, हम सब साथ हैं। ऐसे वक्त में अपने बारे में सोचना पड़ता है,
शराब का पौधा आपके जाने के बाद यहाँ इंक्यूबेटर में एक महीने तक रहेगा। हम उसे शोक समय कहते हैं। उस दौरान परिवार वाले जितनी बार चाहे यहाँ आ सकते हैं। और मुझे कहाँ रखोगे? ये पौधे भेजे जाते हैं इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट में। ऐसी जगह जहाँ आप अपनी जड़ें फैला सकें। तुम्हें कुछ नहीं पता है ना? मैं कोई पौधा नहीं बनना चाहता। Hey Jace, क्या तुम इन्हें हमारे पॉट्स के ऑप्शंस दिखा दोगे प्लीज? क्यों नहीं, आप मेरे साथ इस तरफ आएंगे प्लीज? तुम सबके पास कब्र तक नहीं होगी आने को, पता भी नहीं होगा कि कहां। जरा सुनिए, आप किचन से है ना? आपको लगता है आपका परिवार यहां आना चाहता है? नहीं। आपको नहीं लगता अगर इनकी ज्यादा कर पाने की हैसियत होती तो ये ज्यादा करते? काश मेरे डैड ने उनकी मौत के लिए अगर मुझे जल्दी तैयार कर दिया होता, क्योंकि सब अचानक हो गया। एक पल वो थे और दूसरे पल खत्म हो गए। और पता है जो कुछ भी बचा था, पैसे वगैरह सब कुछ उनके फ्यूनरल में लग गया, सब कुछ। आपने कभी नाइजीरियन फ्यूनरल देखा है? पिछला जो देखा था वो 3 हफ्ते चला था। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, ऐसे 99 और हो तो क्या, मतलब बहुत सारे। क्या कहा तुमने उससे? डैड का नाइजीरियन फ्यूनरल। साले हरामी। अब कमीशन अपने आप तो नहीं बनेगी। सच में? उस गंदी नाली में तब तक हूं जब तक रुकना पड़ रहा है, उसके बाद एक सेकंड नहीं रुकने वाला। गंदी नाली? हाँ गंदी नाली। हमारा घर है। हमारा नहीं, तुम्हारा घर होगा भाई। ये जोश तब दिखाना जब वो घसीटते हुए तुम्हें यहां से निकाले। हाँ पर वो ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं। ठीक है जाने दो, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। अगर मुसीबत आई तो मैं खुद को बचाऊंगा। वो किचन तक नहीं पहुंचेंगे। वो किचन तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा ही होगा, मैं बोल रहा हूं ना। ठीक है, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाय। टोनी एक माँ थी, एक दोस्त, एक पड़ोसी, जो भी उन्हें जानते और चाहते थे उन सबको उनकी बहुत याद आएगी। अब मैं चाहूंगी टोनी के बेटे सामने आए और कुछ आखिरी शब्द कहें। बेंजी, क्या तुम अपनी मॉम से कुछ कहना चाहोगे? Earth to Earth,
रूट्स टू रूट्स, लाइफ टू लाइफ। उनसे जितना चाहो उतना मिलो, जब तक वो शिफ्ट नहीं हो जाती। हे, मॉम को कैसे जानते हो? मैं नहीं जानता। तुम फ्यूनरल पे थे? मैं वहां काम करता हूँ। लग नहीं रहा था तुम वहां पर काम के लिए आए थे। हाँ, मैं जानता था काफी वक्त से। काफी वक्त से मतलब कब से? मतलब कुछ वक्त से। जब तुम दोनों साथ थे? नहीं। सेक्स? क्या तुम, ओए, ये तुम क्या पूछ रहे हो? मैं तुम्हारी माँ को बस जानता था, ज्यादा कुछ नहीं। क्या बस लगा आज मेरे डैड आए होंगे। शायद नहीं आए। ओ तेरी, ये तुम्हारी बाइक है? दूर हटो यार। मैं बैठ सकता हूँ? मैं बाइक्स में अच्छा हूँ, चलाऊँ एक बार? मैंने कहा दूर हटो। पर मैं बाइक्स में नहीं, अच्छा नहीं, हूँ, चलाने दो ना। बस एक बार चलाने ए, दो। ए, सुनो, आज तुम्हारी मॉम का फ्यूनरल हुआ है। हाँ, याद है ना? तुम्हें दफा हो जाओ कहना नहीं चाहता। क्या बाइक पर बैठना है कि नहीं? कहाँ रहते हो तुम? किचन। किचन? हाँ, ऐसा क्यों बोला तुमने? जानते हो क्या? सब कहते हैं वैसा ही है। कंदिनाली जैसा? हाँ। मेरी मॉम, उन्होंने कहा था डैड वही रहते हैं। मैं चलता हूं बेंजी। छोड़ने के लिए थैंक्स।
8 7 6 5 4 3 2 1. क्या सच में बाइक है? ये तो बढ़िया है। ये क्या है? My vision is clear, I can see. I'm in the arrest, that thing, make sure that your heart don't tap. Young boy with a big thing in a pouch, that made him a man. I'm in the arrest, that thing, make sure that your heart don't tap. Hold it, tight, two hands that you're tight in your arms. I love my chuck, don't see chuck, no, yeah, that's right. Chuck, chuck, hey. I love my chuck, don't see chuck, no, yeah, that's right. Chuck, chuck, hey, see ya. इजी नाम के बंदे को जानते हो? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तू कौन? तुम कौन? चल कर ब्रो। इस साले के पास कुछ नहीं है। सुनो तुम, बाइक से दूर हटो। क्या? ये तुम्हारी बाइक नहीं है। तू एक बाइक के पीछे पिटना चाहता है। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं। और तुम मेरी बाइक से दूर हट जाओ, समझे? नाम क्या तेरा? बेंजी। बेंजी, ठीक है बेंजी। चला जा। क्या हो रहा है? क्या हाल चाल है सैम? सब ठीक है ना? मस्ती चालू है? अरे पूरा दिन मस्ती काटी और क्या, बस इसलिए आराम कर रहे हैं। आलसी है तू भाई? अबे जा रहे। कैसा है भाई? अच्छा, ये है बेंजी। क्या हाल चाल? क्या धासु बाइक चलाता है मालूम? व्हीली वगैरह सब कुछ। मतलब मुझसे भी अच्छी? सीख जाएगा। सुना क्या? सीख जाएगा मुझसे अच्छी। अरे छोड़ ना, ऐसा इसे जरा जगह दिखा दे। चल आ जा छोटे मियाँ। खाने का जुगाड़ कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रहे। वो तेरे घर का खाना है? सच में ऐसा है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, झूठ बोलूंगा? तो हम यहाँ बैठकर मरे हुओं की गिनती करें?
मैं हूँ लॉर्ड किचन। आपको पता है इस वक्त कितने बजे हैं? 7 बजे। लॉर्ड किचन लाइव और डायरेक्ट सीधे किचन से किचन रेडियो पर। अच्छी खबरों का मैसेजेस आ रहे हैं। वो एक सेकेंड रुक जाइए, रुक जाइए। फिलहाल वो अपने घुटनों पर है। विल यू मैरी हिम रॉक्स? जवाब दीजिए, वो आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि खबर अच्छी हो। कहाँ जा रहे हैं? सब तैयार है कि नहीं? अरे जल्दी कर यार। अबे तू जानता नहीं है मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अबे बूढ़ा हो गया। Come on, steps, खींच डाल। चलो चलो। जल्दी कर, आजा। चलो चलो। लोड कर, मैं खींचता हूँ। हाँ भाई, तुमने पैसा लगाया मैंने। हाँ सही क्या लगा कि गलती नहीं की? चुपचाप खड़ा रहे अब। वो क्या है? और देख मेरा कहाँ? पुलिस ड्रोन्स। चलो बस करो, चलो अब उसे खींचने दो। बोल अब तू ट्राई करेगा क्या? नहीं मुझे नहीं करना। कराते क्या दिक्कत है? इससे नहीं होगा। अरे जाना क्या कर रहा है? बिल्कुल चल आजा। लगता है प्रेशर ले रहा है। नहीं थोड़ा सा तो है ही। चिंता मत कर ब्रो, तू कर लेगा। नहीं मार पाएगा। बीच में मार ब्रो। ये खींच भी पाएगा? नीचे नीचे थोड़ा नीचे खींच, थोड़ा और नीचे। अब हो जाएगा। थोड़ा और नीचे 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 हो जा। ऊपर निकल लेगा। चल अब निशाना लगा। Come on bro, yeah. छोड़ो। जल्दी कर यार। चल छोड़ो। तुम तो बस हेट करते हो ब्रो। ये बंदा हेट करता है, देखा उसे? कम से कम 3 या 4 बार धोया है और कमाली को तो 10 से ज्यादा बार। अबे क्यों झूठ बोल रहा है? सारे आठ तो अब एक बड़े गैंग में अपना स्टाइल बदल, देखकर लगता है स्कूल जा रहा है। सही तो लग रहा है, तो छोड़ इसे, तो बहुत मस्त लग रहा है। बेंजी, बेंजी, सब ठीक है ना? हाँ, बाद में मिलता हूँ, चिल। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा? हाँ, पर अब फर्क नहीं पड़ता। hey! तुम इन सब के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या मतलब? आपने गली जमीन पे कब्जा जमाया हुआ है? आपको कभी भी अपनी जगह
खाली करनी होगी। आपको हाथी के अंदर खाली करनी होगी। शटर बंद करो। बेंजी शटर बंद करो। शटर बंद करो। खोलो इसे। नहीं खोल सकते। ये सब क्या हो रहा है? खात्मा। तुम्हें यहां का हाल जानना था ना? उन लड़कों के साथ रहोगे तो और जान जाओगे। तुम उनके जैसे नहीं हो। दूर रहना उनसे। ठीक है, मैं दूर रहूंगा उनसे। अच्छी बात है। अगर तुम साथ रहने दो। नहीं, मेरे पास कोई और जगह नहीं है। या तो यहां रहूं या स्टेबल्स के साथ। फिर तो स्टेबल्स के साथ ही रहो। दो रातें। देखो बेंजी, इस जगह से मैं खुद निकलना चाहता हूं। तो दो रात मतलब दो रात। तुम्हें चलेगा क्या? हाँ चलेगा। थैंक यू। ये क्या है? तकिया और कंबल। पर ये तो बैग और टॉवल है। हाँ, चीजें दूसरे काम भी कर सकती है। मुझे पॉटी करते हुए देखते रहोगे क्या? शिकायत नहीं कर रहा हूं, खुश हूं यहां आके। मैं हूं लॉर्ड कृष्णा, लाइव एंड डायरेक्ट, हट्टा कट्टा, सीधा किचन रेडियो पर। पता है कैसा लग रहा तुम्हें? मुझे भी वैसा ही लग रहा है। उन्होंने पहले एल्सबरी में किया, फिर ब्रॉड वाटर में, उसके बाद और जगहों पे। लेकिन याद रखो, उन्होंने हमें जाने को कहा और हमने कहा नहीं, ये हमारा घर है, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। उन्होंने हमारा पानी बंद किया, राशन बंद किया। हमने कहा भाड़ में जाओ, हम नहीं जाएंगे। अब हम निशाने पर हैं। निशाने पर हैं हम। मैं काम पर जा रहा हूं। तो अब तुम पार्टी कर सकते हो। इजी, क्या तुम देख सकते हो मॉम ठीक है? नहीं, बस एक बार देख लेना। पानी और धूप मिल रही है या जो भी होने चाहिए। एक काम करो, मेरे साथ चलो, हमें कहीं जाना है। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर से कहूंगा और कहता रहूंगा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी वो नहीं रोक सकते हमें। सिर्फ तब रोक सकते हैं अगर हम न रहकर मैं हो जाए। लाइनें खुली हुई हैं।
बेंजी यहाँ आओ। चलो एक बार और बोलो। अच्छा, मेरी मॉम के गुजरने पर मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने राज अलविदा नहीं पैकेज। तुम्हें आ गया था ना? मैंने बोला तो पैकेज अलविदा एक खास। पैकेज अलविदा एक खास, हाँ। क्योंकि उसने हमारा दर्द कम कर दिया। रटा हुआ लग रहा है, एक बार और बोलो। कम ऑन, जो बोल रहा हूँ उसका आधा तो पता भी नहीं है। पैकेज अलविदा राज है क्या? पैकेज अलविदा एक खास है वो। खास? उसी की वजह से तुम्हें यहाँ आने की परमिशन मिलेगी, ठीक है? एक बार और बोलो, चलो। मेरी मॉम के गुजरने पर मुझे खुशी है। उन्होंने अपग्रेड किया था। उन्होंने अपग्रेड किया था। ताकि तुम यहाँ जितना चाहो आओ, जितनी बार चाहो मिल सकती हो। और ये है हमारा दोस्त बेंजी। बेंजी? हाँ। बेंजी मुझसे अपना दुख बांट रहा था और बता रहा था कि उसे कैसा लगा जब उसकी मॉम, क्यों है ना बेंजी? मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उनको अपग्रेड किया उस राज, वो खास राज। उनकी याद आती है, हर पल उनकी कमी लगती है। लगता है कि वो अभी भी यही है। शायद वो है, सुन रही है। क्योंकि वो है। बताने के लिए थैंक्स। इस तरफ आओ। ठीक है, कल मिलते हैं। चलो। मैं फिर मिल जाऊंगा मॉम। वाह 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 वाह, साशा 86 की हो गई है आज। एक गाना तुम्हारे लिए साशा, एक तुम्हारे लिए भी बजाऊंगा ब्रो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सैश के साथ रहो। सैश 86 की है और यहां किचन में सभी चाहते हैं वो 87 तक पहुंचे। तो मेरे भाई आराम से। वो उन पौधों के साथ क्या करने वाले हैं? इजी, तुम उस बारे में नहीं जान सकते। क्यों बेंजी? वो बस पौधे हैं। क्या लोगों को बताना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है? नहीं नहीं है। तो पता लगा और बता दो। तुमने आज अच्छा किया। चलो कुछ करते हैं, कुछ मजेदार, मूड अच्छा करते हैं। चलो मजे करते हैं, सच कह रहा हूं, समझे? कम ऑन ब्रो। हाँ साशा, नाचो। देखना है।
तुम आ रहे हो? नहीं, तुम जाओ। चलो ना। जाओ ना। तुम बाहर भी दिखते हो? इसी आ रहे हो? नहीं, जाओ स्केट करो। ये कौन है? जाओ लैप वगैरह मारो। ये मॉम को जानते? जाओ लैप मारो। क्या करें, पिए? हाँ चल भाई। तो बता क्या हाल है भाई? बढ़िया। उस दिन के बाद? देख, उस दिन फ्यूनरल के वक्त मुझे पता है वो टोनी। हम एक फ्यूनरल होम में काम करते हैं जेस, लोग मरते हैं। तुम कैसे? ठीक हो ना? तो क्या आप तो उस बच्चे के साथ रह रहा है या? उसकी माँ को जानता था और फिर रेड पड़ी तो मैंने उसे अंदर ले लिया। एक और, क्या यार? मैं बस पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं बस बता रहा हूँ। यो जल्दी दो यार, ये लो। तुम किचन से? Thank you.
सुबह के 7 बजे और सबको पता है इस वक्त क्या होता है। मैं हूँ लॉर्ड लॉर्ड किचन लाइव और हट्टा कट्टा। सीधा किचन से किचन रेडियो पर। सभी डटे रहो, बाल को घसीटते हुए हमें नाज है अपनी कम्युनिटी पर, गर्व से खड़े रहो डटकर। आ जाओ, यस मजे से किचन, मजे से। और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, उसे और आटा डालना पड़ेगा, बहुत पतला है। भाई बना क्या रहा है वैसे? कुछ मजेदार बन रहा है। मुझे लाने के लिए थैंक्स। तू इजी के यहाँ रह रहा ना? क्या लगता है वो तेरा? देखते हैं, कुकिंग में मेरा हाथ कितना अच्छा है। दोस्त है और क्या? कोई सर्व करने में हेल्प करेगा? अच्छा दोस्त है, हम तुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ने वाले। बन गए बन गए बन गए, तुम सब के लिए झकास पैनकेक्स तैयार हैं। एक नंबर। क्या डाला है भाई पैनकेक्स में? ये लो, ये तैयार है। मेपल सिरप है ना? आ गया आ गया आ गया, सबका नाश्ता आ गया। चल जल्दी से दे। डेट ये ले, खाना शुरू कर। एक झूठी बोलूंगा लेकिन दिखने में तो अच्छा लग रहा है तुम्हारे लिए। अरे चलो चलो खा के बताओ कैसे बने। बहुत अच्छे हो तुम। अरे यार के मैं खा चुकी हूँ। क्या मतलब तू खा चुकी है? अभी तो सो के उठी, ऐसे कैसे खा लिया? पहले मुझे बता इसमें क्या डाला है। ना 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 ना, ये राज मेरे साथ ही जाएगा। अगर तू नहीं बताएगा तो मैं नहीं खाने वाली। ऐसे कैसे नहीं खाने वाली? चुपचाप खा, मैं कह रहा हूँ ना। सुन, मैं ये घटिया चीज नहीं खाने वाली। बता पहले इसमें इलायची डाली है। क्या क्या? हाँ इलायची है, मैं अपनी इलायची खुद उगाता हूँ, कोई दिक्कत? हाँ ये देखो इलायची है इसमें और वही डाली है। ओके, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अब शांति मिली? क्या चुतियापा है ये? वापस कर, वापस कर, हो गई इधर। ये साला पता नहीं क्या चुतियापा कर रहा है और हमें खाने में डाल के खिला रहा है। बेंजी तो जानता ना यहाँ क्या चल रहा है, वो पानी बंद कर रहे हैं, राशन वगैरह भी। उसने तमाशा बना रखा है, लोगों को उठा रही है, पर हम ही की चीज कह रहे हैं, है कि नहीं? वो जमीन हड़पना चाहते हैं, वो भी पता नहीं साला किस चीज के लिए। वो उनकी जमीन है पर ये सब हमारा है। हाँ समझ गया। तुझे चाहिए वो बाइक? चाहिए तुझे? साथ में राइड के लिए चलना होगा, तब ये तेरी होगी। तू अकेला सेफ नहीं है। Put your hands on the things.
मॉर्निंग। अरे दूर हटो से। ये कौन है? ये है अंकल इजी। खाने का टाइम हो गया है। चलो 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 चलो, शाबाश, यहाँ बैठ जाओ। ओके, ये तुम्हारा है? इसी अंकल को भी कुछ खिलाए। इसी अंकल को कुछ खिलाना चाहती हो? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अंकल को दूध पसंद है। उन्हें दूध पसंद है? अंकल इजी। थैंक यू। चलो दवाई ले लो। शायद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं समझदार हूँ। ओके, ठीक है। मुझे पता भी नहीं था तुम्हारी बेटी है चेस। तुमने पूछा ही नहीं। थैंक यू हैंजी, थोड़ा दूध डाल देता हूँ। इतना काफी। मेरे कप में भी डालो। हाँ ये लो। ठीक है ठीक है, तुम अपने कप में दूध पी सकती हो। बस तुम्हारी एक बेटी है यार, और मुझे पता ही नहीं। तो फिर 10 गिनने तक? नहीं। तो फिर 3? जीप के साथ? कितना गंदा है ये। तो बिना जीप के? ऐसा भी नहीं कहा। क्या चल रहा है? हद है यार। थैंक यू। आज बहुत चुप हो तुम। कल अच्छा रहा नहीं? कुछ खाओ। अगर ऐसा है तो जाओ, जाकर वापस लेकर आओ। जाओ मर्द बनो, जाओ तुम्हारी बाइक लेकर आओ। और जब वो लोग कोई गलती करें, जैसे पुलिस को मारना, और अगर तुम वहां रहे तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। उनसे दूर रहो, नाश्ता करो। तुमने मुझे छोड़ा। अच्छा, जब मैं तुम्हारे जितना था, कौन संभालता था मुझे? बोलो, किसने ला कर दी थी वो लाल बाइक? मेरी तो कोई मां नहीं थी। असली दुनिया में कोई परवाह नहीं करता, तुम अकेले ही होते हो। बेहतर होगा आदत डाल लो। तो बस इतना ही? इतना ही मतलब क्या? मैं कहीं और चला जाऊं? तुम जाना चाहते हो? पता नहीं, जो भी, मैं देख लूंगा। ठीक है, नाश्ता करो।
पक्का किया है। पता है कितनी बार मैंने उस पे पादा। इजी यार, जितना सोचा था उससे बड़े वाले हो। बेकार, इसे हटा क्यों रहे हो? पता नहीं क्यों ये सब कर रहे हो। ये लैंप है ना, और ये हिल रही है। कितना अच्छा माहौल बन रहा है इन कलर्स से, है ना? और ये भी हिल रहा है, तुम्हें अच्छा लगा? नहीं, इस हेयर स्टाइल में तुम्हें देखना चाहूंगा। नहीं, इसमें नहीं, नहीं, नहीं। इस वाले में धांसू लगोगे तुम। नहीं, पता था तुम यही कहने वाले। थोड़ा जल्दी चुन लो ब्रो, और भी लोग वेट कर रहे हैं, सबने लाइन लगा दी है बाहर। जैसे वैसे रहने दो। यार सोच कर देखो जरा, किसी ने बनाया है इसे, ये पूरा, मतलब ये पूरा फैब्रिक्स वगैरह सब। समझ गया। थैंक यू। समझ गया कि तुम्हें लैंप पसंद आ गया। बस ये दबा ऐसे। आ रही सी। हाँ। इजी, क्या कर रहा है? गलत कर रहा है, छोटे सर्कल्स बनाने होते हैं। देखो इस तरह, समझा? Hello, Isaac James. Congratulations. आपका सिंगल ऑक्यूपेंसी बूना विडा फ्लैट कल तैयार हो जाएगा। प्लीज आप अपने फ्लैट के लिए 4 महीने का डिपॉजिट दे पाने का प्रूफ दें। थैंक यू। हम आपकी और कोई हेल्प कर सकते हैं Isaac? डबल, क्या मैं डबल ऑक्यूपेंसी के बारे में जान सकता हूँ? क्या आप डबल ऑक्यूपेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? जी हाँ। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। जी हाँ। क्या आप डबल ऑक्यूपेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? जी हाँ। आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ। अच्छी खबर, अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी फ्लैट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना सिंगल ऑक्यूपेंसी फ्लैट छोड़ना होगा। आपको मंजूर है? Isaac? क्या आपको मंजूर है? ठीक हो मॉम? म
माफ करना, कई दिनों से मिले नहीं। अब मैं इसी के साथ रहता हूं। मैं पक्का उसे हमारे साथ लेकर जाऊंगा। सॉरी, मैं आपके फ्यूनरल पर कुछ कह नहीं पाया। आई लव यू मॉम। मैं मॉम को घर कैसे ले जा सकता हूं? जब तक मैं यहां पर हूं कुछ काम निपटाऊंगा। मैं तुम्हें वहां सामने मिलता हूं। यो, चलो। इजी, बताओगे मॉम को कैसे ले जाओ? नहीं। क्या तुम पता लगाओगे? बेंजी, वो बस एक पौधा है, एक पौधा। उसका तुम्हारी मॉम से कोई लेना देना नहीं है, समझे? जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना, वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। इतनी सी बात है। प्लीज यार, तुम ब्यूना वीडा जाने वाले हो? मैं रेंट नहीं भर सकता, मतलब पता भी नहीं है यहाँ रेंट का क्या सिस्टम है। मैं पका सकता हूँ और मैं वादा करता हूँ बिना पूछे कुछ भी नहीं खरीदूंगा। बेंजी, बस करो। मॉम, मेरी मॉम ने मुझे बताया था। क्या बताया था?
तुम लाइफ आफ्टर लाइफ में काम करते थे, तुम किचन में रहते थे। उनसे प्यार नहीं करते थे, पर तुम मुझसे प्यार करते हैं। Easy. Good night. खा क्यों नहीं रहे? खाओगे या नहीं? हाँ, मुझे कुछ काम है। अच्छा होगा अगर मैं जल्दी करूँ। ठीक है। आइज़ैक जेम्स, ब्यूना वीडा में स्वागत है। सोने का दांत, सब छकास है मेरी जान।
हिम्मत है तो ऊपर आ रहा। साली कमीनी, तुझे तो मैं जे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। Thank you.
कोई बात नहीं। थैंक यू। नई जगह अच्छी होगी क्या? नई जगह अच्छी होगी? हाँ, बहुत अच्छी जगह होगी। वहाँ कैंडीज होंगी? हाँ, बहुत सारी। आइज़ैक जेम्स, जागने का वक्त हो गया। आज का दिन बहुत अच्छा है, लगता है आपको अच्छी नींद आई। चैपल 6 में गेस्ट कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। गेस्ट की संख्या कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। कुछ बताता हूं जो मेरी मां ने बताया था। अगर कोई पड़ोसी की बुराई करता है, उसे गालियां देता है, तो उसके साथ भी बुराई होता है। धोखे के बदले धोखा, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। तो अगर उसने किसी के साथ बुरा किया है तो याद रख, उसके साथ बुरा ही होगा। ये जंग है, yeah.
10 सेकेंड आप नीचे बैठो नीचे बैठ दफा हो जाओ क्या कर रहे हो हटो यार हटो भी कोई बात नहीं ब्रो बात है बहुत बड़ी बात है हट जा चुपी दिल में बोलो अरे हट जाओ ना यार जाने दो ना मुझे मारना है मुझे क्यों आए हो तुम यहां क्यों आए हो तुम यहां आई एम सॉरी तुम्हें कोई पछतावा नहीं चले जाओ यार चले जाओ दरवाजा वहां है
थैंक यू। देख लेना कहां रख सकते हो इसे। चाहो तो घर भी आ सकते हो। हेल्प क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हें अपने दिल की करने दे रहा हूं। तुमने भी तो उन्हें खोया है। I love you, Mom. हमें निकलना चाहिए।
इजी। तुम मेरे डैड हो? अगर तुम चाहो तो बन सकता हो। देखते हैं कैसा लगता है। If you're my blood, man, I pray to God that you teach me love, something that I never knew could happen to me. Blood, blood. Love.
We'll be right back.